नमस्कार नमस्कार जन सरोकार नमस्कार जन सरोकार मंच आप लोगों से जुड़ के लगातार फलीभूत हो रहा है। प्रबुद्ध श्रोताओं, आज जिस वैचारिक श्रृंखला के साथ अपने साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब अनंत भटनागर जी, जो परिचित हैं, प्राचार्य हैं कॉलेज के, अच्छे लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और लगातार हर सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी सुनिश्चित देखी जाती है। तो अपना जो सवाल है, चुनावी माहौल सामने है और प्रजातांत्रिक देश है अपना, अब ये मन में बहुत तेजी से ये प्रश्न उठ रहा है कि हमारे मतदाता का भी विवेकशील होना बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो मतदाता की स्थिति पर, उसकी विवेकशीलता पर तो विचार करना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल। तो आपसे आग्रह है, आपके विचार सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल इकाई ही मतदाता है और इसका पहला चरण वही है कि मतदाता मत करेगा, वो अपने प्रतिनिधि चुनेगा, प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाएंगे और सरकार कैसा आचरण करती है, और उसके बाद पुनः अवसर है कि सरकार को वो 5 साल एनालाइज करे और उसके बाद अगर उसकी उससे राय नहीं मिलती हो तो उसका विरोध करे, नई सरकार बना सकता है। तो कागजी दृष्टि से देखा जाए तो इससे बेहतरीन व्यवस्था कोई हो ही नहीं सकती है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1952 से पहले चुनाव शुरू हुए इस स्वतंत्र देश के रूप में, तो हमारे यहाँ हर 21 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया कि वो अपनी सरकार चुन सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही क्रांतिकारी व्यवस्था थी, क्योंकि एक देश जो में अधिकांश आबादी अशिक्षित हो, नियमों कानून के प्रति जानकारी नहीं हो, अभावग्रस्त हो, स्त्री पुरुष का भेद हो, अमीर गरीब का भेद हो, धर्म जाति संप्रदाय इतने सारे ऊंच नीच के सोपानों में जो जनता बटी हुई हो, उसको एक अधिकार देकर बराबरी पर यूं ले आना कि वो सभी के वोट की वैल्यू जो है, उसका मत का मूल्य समान है, वो चाहे राजा है, चाहे वो प्रजा है, चाहे वो गांव का रहने वाला किसान है, बिल्कुल दलित व्यक्ति। तो ये एक परिवर्तन तो यहां से शुरू हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपने बात कही कि अब वो विवेकशील मतदाता, तो अब अधिकार तो उसे मिल गया इस व्यवस्था से, लेकिन क्या उस अधिकार को का सही उपयोग करने की दृष्टि उसके पास थी या नहीं थी, और ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक कहा जा सकता है आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी। तो ये बात सही है कि ना तो मतदान के प्रति कोई जागरूकता थी, और अपन पूरा दृश्य उठा के देख लें तो 40-50% से ज्यादा कभी मतदान नहीं होता था, पिछले 20 वर्ष के आंकड़ों को छोड़ दें तो, यानी 40-45% लोग वोट दिया करते थे, उसमें से भी 40-45% जिसको प्राप्त हो गए उसकी सरकार बन जाती थी। तो अगर देखा जाए तो 100% मतदाताओं में से मुश्किल से 20% मतदाताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारी सरकार बन के सामने आती थी, और उसमें भी जो मतदाता विवेकशील था या नहीं था वो प्रश्न अगर उसमें और जोड़ दिया जाए
तो कईयों लोग तो इसलिए थे, अगर बिल्कुल आजादी की बात करें तो राजा रजवाड़े के लोग ही चुनाव में भी लड़ रहे थे, तो उन्हीं के जो कारिंदे और उन्हीं के जो सेवक थे वही वोटर्स भी हुआ करते थे, वही वोट डालते थे और वहीं से हमारी सरकारें बनती थी। तो लोकतंत्र की जो एक अवधारणा के साथ जैसा लोकतंत्र बनना चाहिए वैसा लोकतंत्र कभी स्थापित नहीं हो पाया। यह बात हम जरूर कह सकते हैं कि पिछले 20-30 वर्षों से, या और भी अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 91-92 में टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त के आने के बाद से जो ये चुनावी प्रक्रिया है इसमें मतदाता को भी सशक्त करने का एक प्रयत्न शुरू हुआ और मतदाता के प्रति एक ये जागरूकता पैदा करने की भी कोशिश की गई कि वोट डालना लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी। तो इसका प्रभाव ये तो आज हम देख सकते हैं कि 60 से 65% तक मतदान होता है और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक उसका जो मतदाता का रिस्पॉन्स उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, चुनाव में प्रतिबिंबित हो रहा है कि अधिकांश मतदाता क्या सोच रहा है उसके आधार पर वह प्रतिनिधि चुन पाने में सक्षम हो रहा है। लेकिन ये धारणा भी एक अधूरी धारणा ही है, वो वोट तो दे रहा है लेकिन वो वोट के उस महत्व को जानता भी है या नहीं, और जिसको वोट दे रहा है उसके बारे में वो कितना जानता। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो मतदान है, लोकतंत्र है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, क्षेत्रीयता है और प्रलोभन है, ये सारे तरीके जो अपनाए जाते हैं ये वोटर का मूड बनाने के लिए, उसका मानस बनाने के नुस्खे होते हैं और हमारे नेताओं ने इन सारे नुस्खों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। कभी कोई सी चीज कारगर हो जाती है किसके लिए कौन सी, लेकिन सभी के पास करीब करीब ऑलमोस्ट यही वाली पुड़ियाएं हैं जो वो दे दुआ के चुनाव जीतती। तो विवेकशील मतदाता का मत प्राप्त हो रहा है या अन्य कारणों से प्रेरित मतदाता का मत प्राप्त हो रहा है, ये प्रश्न तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम कितने आश्चर्य की बात है कि कुछ वर्ष पहले तक जो चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता होता था, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी कितनी आय संपत्ति है, क्या करता है, क्या अपराधी तो नहीं है, क्या कितनी बार जेल जा चुका है, भ्रष्टाचारी है नहीं है, हमारे पास जानने का कोई तरीका नहीं था। और खास तौर से अगर हम बात करें लोकसभा क्षेत्र की, तो लोकसभा का तो क्षेत्र इतना बड़ा होता है जो कई 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 लोकसभा क्षेत्र तो कई देशों से बड़े हैं हमारे, कई छोटे देशों की तुलना में उनका भूगोल क्षेत्रफल ज्यादा है। इतने बड़े एक लोकसभा क्षेत्र में एक पार्टी ने किसी अमुक व्यक्ति को खड़ा किया, दूसरी पार्टी ने अमुक व्यक्ति को खड़ा किया, मतदाता को क्या मालूम कि वो कौन प्रत्याशी है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कभी नहीं प्राप्त। तो वो पार्टी के नाते वोट देता है या पार्टी की विचारधारा, या सबसे बड़ा जो फैक्टर वो आज सबसे भी आज भी प्रभावी है कि उसके लिए ये लगता है कि मेरी जाति का व्यक्ति खड़ा हो गया है तो वो मेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो ये जब लोकतांत्रिक संगठनों की मांग उठी और खास तौर से इसमें PUDR की याचिका हुई, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, उसने कहा कि ये मतदाता का अधिकार होना चाहिए कि उसे प्रत्याशी के बारे में सारे विवरण की जानकारी। तो अब ये एक प्रावधान हो गया है कि हर कैंडिडेट को चुनाव के भरते समय अपने बारे में सूचनाएं सार्वजनिक करनी, और ये सरकार का दायित्व है कि उसके बारे में समस्त प्राप्त सूचनाओं को सार्वजनिक करे, वो अपनी वेबसाइट पे डाले, चुनाव कार्यालय के बाहर लगाए,
मीडिया को दें, और ये अब प्रक्रिया शुरू हो गई है कि तो अखबारों में ये विवरण हमें सामान्यतः देखने को मिलते हैं कि कौन प्रत्याशी है, उसकी कितने करोड़ की संपत्ति है, कितने उसकी आय का साधन क्या है, उसकी शिक्षा कितनी हुई है, और उस पर मुकदमे कितने चल रहे हैं, आपराधिक श्रेणी के कितने हैं, सजायाफ्ता है, ये सब विवरण देना होता है। शैक्षणिक योग्यता कितनी है, ये भी एक फैक्टर होना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो ये विवरण भरे भी जाते हैं, सार्वजनिक भी किए जाते हैं, और अगर कोई 5 वर्ष सांसद या एमएलए रह लिया है तो पिछले विवरण से इस विवरण में उसकी कितनी आय संपत्ति बढ़ी हम यह भी जान सकते हैं। तो या उसने सेवा ही करी या उसने पूरे जीवन में 5 साल में मेवा ही मेवा खाई, ये भी पता लगाया जा सकता है। मेवा तो सभी खाते ही हैं, लेकिन उस मेवा का अनुपात भी हम जान सकते हैं कि वो कितनी वृद्धि उसमें दिखाई देगी। तो ये बहुत सारी चीजों से एक मतदाता को जानकारी प्राप्त प्रदान करने का एक सिस्टम तो डेवलप हुआ है। प्रभावी कितना है वो एक फिर प्रश्न है, लेकिन अगर कोई चीज शून्य थी तो उससे हम कई कदम आगे बढ़कर ये तो आए कि हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक वेल इन्फॉर्म्ड मतदाता बनाने की प्रक्रिया में भी लोकतंत्र एक व्यवस्था ने कुछ कदम आगे अवश्य बढ़ाए। इसके बाद एक जो दूसरी व्यवस्था की ही बात करें तो अब जो मतदाता है वो 18 वर्ष की उम्र वाला मतदाता है। पहले 21 वर्ष से नीचे का व्यक्ति नहीं दे सकता था वोट। अब ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि 18 वाला ज्यादा विवेकशील है या 21 वाला ज्यादा विवेकशील हुआ करता था। लेकिन अब चूंकि अब ये पिछले 30 वर्ष से व्यवस्था बन ही गई है तो हम ये मान सकते हैं कि अब जो इस तरह से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ है तो जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो पुरानी युवा पीढ़ी से या पुरानी पीढ़ी से ज्यादा सजग है, उसके पास जानकारी प्राप्त करने के या संचार के साधन अधिक उपलब्ध हैं और शिक्षा का स्तर भी या फैलाव भी दायरा भी बड़ा है। तो वो 18 वर्ष का व्यक्ति को भी हम एक विवेकशील मतदाता मान सकते हैं। अब इस सारी विवेकशील बनाने की प्रक्रिया पर जब हम आते हैं तो अब इसको इन्फॉर्म करने का तरीका है। तो यानी मतदाता की ओपिनियन कैसे तैयार होती है कि वो किसको मत दे। सबसे अच्छी तरीका तो क्या हो सकता है कि जो है कि वो खुद अपने आप से सर्च करे, खुद जानने की कोशिश करे उसके बारे में और उसकी विचारधारा के बारे में और उसके आधार पर वोट करे। लेकिन आज भी हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, या मैं तो ये भी कहता हूं इतनी जागरूकता भी हमारे यहाँ नहीं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, क्योंकि वोट देने के अधिकार जो आधार हैं वो आज भी हमारे यहाँ परंपरागत जो आधार है वही रूढ़ हो चुके हैं। और उस परंपरागत आधारों में आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा हो सकती है कि पार्टी ने किसी को भी वोट दिया, आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता के प्रति निष्ठा एक आधार हो सकती है। तो जैसा आजकल कहा जाता है कि हमें कोई मतलब नहीं कि मोदी ने जिसको दे दिया तो मेरे को तो उसी को वोट देना है, या राहुल गांधी ने जिस व्यक्ति को चुनाव लड़वा दिया तो मेरा तो राहुल गांधी में विश्वास है तो राहुल गांधी चाहे किसी चींटी को कीड़ी को किसी को भी प्रत्याशी बना देगा तो मुझे उसी को वोट। और ये लोकतंत्र में एक व्यक्तिवादी परंपरा का पोषण हो गया है और करीब करीब ये मैंने रूढ़ शब्द ही काम ले लिया कि ये रूढ़ हो चुकी कि मुझे तो सेंटर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देखना है, अब उसके लिए मुझे किसी भी को भी वोट देना पड़े मैं वोट देने को तैयार। तो क्या ऐसे मतदाता को विवेकशील मतदाता कहें या नहीं कहें, तो ये प्रश्न तो वाकई बनता है कि आप
के लिए प्रत्याशी का कोई महत्व नहीं रहा और पार्टी की आस्था फिर भी एक वैचारिक आस्था हो सकती है कि इस विचार की आस्था के कारण मैं इस पार्टी के साथ हूं, इसलिए इस पार्टी को के प्रत्याशी को मैं वोट दूंगा क्योंकि वो उस नीति पर चलेगा जिस नीति का मैं समर्थन करता हूं। तो वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये जो पार्टीवाद का भी रिप्लेसमेंट व्यक्तिवाद से जो हुआ है, ये प्रतिस्थापन बड़ा खतरे वाला है और वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है क्योंकि व्यक्ति पूजा ही अंततः डिक्टेटरशिप की ओर ले जाती है। ये तानाशाही की ओर बढ़ने की सीढ़ियां व्यक्ति का गुणगान, तो ये खतरा लोकतंत्र के सामने आज के समय में भी बना हुआ है कि हम व्यक्तिवादी राजनीति से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, वो भी उतनी महत्वपूर्ण हो गई है और जिन जातियों के संगठन बहुत प्रासंगिक भी नहीं हुआ करते थे, आज के समय में मतदाता ने ये जान लिया है कि जाति को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर हमारे पास वोटर हैं एक मुट्ठी में एक जाति के, तो हमारी लोकतंत्र में भूमिका बढ़ जाएगी। तो छोटी छोटी जातियां जो कभी इस तरह से एकत्रित नहीं थी, उनके भी संगठन बनने लगे हैं और वो संगठन बड़े स्ट्रांग हो। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक नुकसान पहुंचाने वाला, और मैं तो समझता हूं अगर जातिवाद और धर्म सांप्रदायिकता है तो वो सिर्फ लोकतंत्र को ही नहीं, पूरे देश को विभाजित करने वाली व्यवस्था के हम समर्थक होते जा रहे हैं कि मेरी जाति के व्यक्ति को टिकट मिल गया तो 100% मेरी जाति के वोट उसी व्यक्ति को मिलेंगे, 100 नहीं तो 80, 90, 70 यहां तक। यह भी एक बड़ा खतरा हो गया है और यहां भी विवेकशील मतदाता नहीं रहता, यहां वो जातिवादी मतदाता के रूप में वोट करता है और जाति से बड़ी फिर एक इकाई यह आ जाती है कि वो धर्म के आधार पर भी वोट करता है कि मेरे धर्म का व्यक्ति है तो मैं, अगर जाति का नहीं भी है तो मैं फिर अपने धर्म वाले को तो वोट मेरे को देना ही देना। इससे एक स्वच्छ लोकतंत्र या स्वस्थ लोकतंत्र सामने नहीं आ सकता है और नहीं आ पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि मतदाता को विवेकशील बनाना, उसको जागरूक और गुणवान बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है और जरूरत भी है, तभी हम सही अर्थ में जिस मायने से लोकतंत्र लागू किया गया था उसकी ओर हम कदम बढ़ा ही पाएंगे। अब जागरूक मतदाता कौन होना चाहिए, वो किसे कहें? उस जागरूक मतदाता को ये जानना चाहिए कि उसकी सरकार का बजट किन चीजों पे खर्च होता है, या जिस सरकार को मैंने वोट दिया उसने जो वायदे किए थे, जो उसका घोषणा पत्र था, उसमें उसने कौन कौन सी बातें कही थी, उसने घोषणा पत्र के अनुरूप उनको लागू किया या नहीं किया, या कितना लागू किया, कितना उसका उस वायदों की पूरा करने के प्रति वो समर्पित रहा। जब तक हम इस बात का आकलन नहीं करते तो हम कैसे विवेकशील मतदाता हैं? पार्टी के घोषणा पत्रों की तो ये स्थिति है कि वो पार्टी के नेता से अगर आप पूछ लें कि उसने, उसकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था, तो वो नेता और जो प्रत्याशी है वही ढंग से नहीं बता पाए। और आजकल तो ये भी होने लगा कि चुनाव की घोषणा हो जाती है, प्रत्याशी नामांकन भर देते हैं, उसके बाद किसी दिन घोषणा पत्र जारी होता, जो कि कायदे से तो 3 महीने पहले किसी पार्टी का आ जाना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है। तो वो घोषणा पत्रों का कोई आकलन मतदाता तो बहुत दूर की बात है, जब पार्टियां ही नहीं करती और विरोधी पार्टियां भी एक दूसरे को कटघरे में नहीं करती, लेकिन ये प्रक्रियाएं होनी चाहिए। उसको सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कितनी कारगर सिद्ध हुई है, मेरे लिए कितनी लाभप्रद सिद्ध हुई है, ये आकलन करना आना चाहिए।
एक नारा आंदोलनों में बहुत चलता है, हमारा पैसा हमारा हिसाब। कि सरकार के पास जितना पैसा है वो हमारा ही तो, हम देते हैं, हम अपने टैक्स के रूप में देते हैं, हम अलग अलग रूप में देते हैं, उस पैसे का हिसाब हम नहीं करेंगे तो कौन? मैंने मेरा पैसा दिया आपको सरकार चलाने के लिए, आपने उस पैसे का कैसे उपयोग किया, ये हिसाब मेरे सामने साफ साफ आना चाहिए, इसमें कुछ गोपनीय नहीं। लेकिन हम हमारे पैसे को भी सरकार का पैसा मांगते हैं, और हम पर सरकार कुछ कृपा कर दे तो हम ये सोचते हैं कि सरकार ने हमको दिया है, और वो देने वाला भी आपको बिल्कुल ऐसा खुद दानदाता भामाशाह बन जाता है जैसे आपके वो निहाल कर, जबकि हमने उसको चुनकर अपने पैसे की निगरानी रखने के लिए भेजा है। तो हम हमारा पैसा हमारा हिसाब के महत्व को भी नहीं जानते, जबकि एक जागरूक मतदाता को यह बहुत अधिक जानना चाहिए कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हुआ, सड़क बनाने पर कितना खर्च हुआ, जो जरूरी और गैर जरूरी कामों पर हमारा पैसा लुटाया तो नहीं गया, तो ये भी जानना उतना ही जरूरी है। तो ये सब चुनाव के समय आचार संहिता का पालन, आचार संहिता तो हमारे यहाँ बन गई, और उसमें एक रोक ये भी लग गई कि इस इतनी राशि से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, आप शराब नहीं बांट सकते, आप पैसा नहीं बांट सकते, आप अन्य प्रलोभन नहीं दे सकते, इतने खर्च से ऊपर जाकर वो खर्च नहीं कर सकते। खर्च का आपको प्रतिदिन विवरण देना होगा, कितनी गाड़ियां आपके काफिले में हो सकती हैं, बहुत सारे नियम कानून, लेकिन क्या ये फॉलो होते हैं? जितना पैसा आज की आचार संहिता में है उतने में तो उनका 10% भी खर्च, चुनाव जीत ही नहीं सकता उसमें, तो सब जानते। और उसके तोड़ भी इतने तरह के निकाल लिए गए हैं, शराब बढ़ती है ये सब जानते हैं, औपचारिक रूप से थोड़ी बहुत कभी कभी कोई छापा भी पड़ जाता है, अन्यथा शराब देकर वोट खरीदे जाते हैं, पैसा देकर वोट खरीदने की प्रक्रिया है, और उसके सभी तरह के तोड़ निकाल लिए गए हैं। तो अब इन अनुचित ये रोक क्यों है कि कोई धन का प्रभाव इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काबिज नहीं हो जाए, वरना तो आप खुलकर आजादी दे दीजिए ना जिसको जो खर्च करना। तो हम चाहते तो ये हैं कि पूंजीवाद इस सत्ता की को प्राप्त करने की सीढ़ी बनकर नहीं उभरे, और पूंजी के कारण कोई जीत कर नहीं आ सके, यानी धन बल का इस्तेमाल नहीं हो सके, लेकिन धन बल एक वास्तविकता है, और इससे कहीं ना कहीं वोटर को लाभ भी मिल रहा होता है, तो वो उसको ले भी लेता है और वो उसके लिए बोलता नहीं है उसके विरोध। वो कहता है कि चलो इसने मुझे 1,000 रुपया ही दिया तो भी वो 1,000 रुपया मेरे काम आएगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है, वोट दे आऊंगा इसको दे आऊंगा, कि मेरे को तो कोई 1,000 भी तो नहीं दे रहा। तो ये धन बल भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो मतदाता के विवेक को हर लेता है, और वो ये देखता है कि इस चीज से मेरे को ये फायदा हो रहा है। फिर है आतंक, है धमकी, है डर, है बाहुबली भी चुनाव लड़ते हैं, तो जो मैं पहले बात कह रहा था कि वेल इन्फॉर्म तो है, लेकिन हमारे पास कितने ही कैंडिडेट आते हैं जिसके में 150 मुकदमे चल रहे हैं, हत्या के चल रहे हैं, बलात्कार के चल रहे हैं, उसको घोषित करना पड़ता है, उसको तो वो गलत नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी वो चुन लिए जाते, तो वो कहीं नकारात्मक सिद्ध नहीं हो रहे, इसका मतलब मतदाता का विवेक कहीं ना कहीं दूषित तो है वो दूसरे कारणों से। तो आपराधिक व्यक्ति जिन पर एक तरह से मुकदमा चलाने की अनुमति मिल चुकी है,
वो हमारी संसद और विधानसभाओं में जाकर बैठ रहे हैं। और देखा, आपने देखा ही है, कईयों की बाद में सदस्यता भी गई, कईयों की नहीं भी गई, लेकिन उनके अगर मामले देख लिए जाए तो हिस्ट्री शीटर और उस जनप्रतिनिधि में कोई खास अंतर नहीं है। और कई कस्बों में तो आप देखे जाएंगे, उनमें प्रतिद्वंदिता ही है कि किस पे 150 है और किस पर 200 मुकदमे चल रहे। और क्या पता ये गुणी मान लेता हो मतदाता, तो ये भी हो सकता है कि ये ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है, तो ये हमारे लिए ज्यादा योग्य शायद साबित। तो ये बाहुबल भी है और ये भी वास्तविक। मैं अंतिम बिंदु जो लेना चाहूंगा कि वो जो मीडिया जो है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मतदाता की ओपिनियन का निर्माण करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि एक सबसे सुलभ साधन जो है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो हमारे हाथ में अवेलेबल है, और वो जिस तरह की बात करता है उसका निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मीडिया को ये कहा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, लेकिन ये सारी मर्यादाएं भंग हुए हुए अब दशकों बीत चुके, और अब तो बड़ा खुला खेल फरूखाबादी है कि वो हम खुद जानते हैं कि ये मीडिया बोल रहा है तो ये क्या बोलेगा, और ये मीडिया बोल रहा है तो क्या बोलेगा। और इसके पीछे भी एक आर्थिक भी कारण बहुत बहुत छिपा हुआ है। लोकल स्तर पे तो ये सब कोई नई बात नहीं रह गई है कि अखबार में कितनी न्यूज़ छपेगी किस प्रत्याशी की, इसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, तो उसका किस सरकार का होगा, किस विज्ञापन, और ये विज्ञापन नहीं होते, विज्ञापन को तो आप चुनाव खर्चे में ले लेंगे, लेकिन जो समाचार की फॉर्म में आता है उसको विज्ञापन के खर्चे में भी नहीं जाता, लेकिन उसका खर्चा जरूर अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा होता है और उसको वो देना पड़ता है। यहां तक कि प्रत्याशी चुनाव शुरू होने के पहले ही अखबार के दफ्तरों में जाते हैं, अपनी बुकिंग कर ही आते हैं कि भाई इतना पैसा और इतनी न्यूज चले। तो जब मीडिया की आप इस तरह की हो तो जो वो जागरूक मतदाता क्या करेगा, उसकी ओपिनियन भी वही तैयार होगी जो उसको मीडिया बनाकर दे रहा है, और वो उसी रूप में सामने आएगी और वही वोटिंग में रिफ्लेक्ट होगी और वही आपके चुनाव परिणामों में के रूप में सामने आए। तो इस पूरी प्रक्रिया में, पूरी चर्चा का अगर लबोलवाब ये लें कि एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने में और स्वस्थ स्वच्छ लोकतंत्र बनाने के लिए या सशक्त लोकतंत्र बनाने के लिए जागरूक मतदाता का होना और विवेकशील मतदाता का होना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाह्य कारण हैं कि जो मतदाता उन आधारों पर मत नहीं दे रहा है। इस जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ के आई है, कुछ परिवर्तन आए हैं, कुछ सकारात्मक, तो इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक मत पड़ना ही लोकतंत्र की सफलता नहीं है, अधिक से अधिक विवेकशील मत का पढ़ना वो लोकतंत्र की सफलता की आधारशिला बनेगा। ये मेरे कुछ निजी विचार थे जो सारी बातें बहुत सुंदरता से आपने इस मंच के माध्यम से अपने श्रोताओं तक साझा करी, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं रहा कि मतदाता का विवेकशील होना और उसको भ्रमित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, वो आपने सब बड़े आईने की तरह खोल दिए, पारदर्शिता के साथ खोल दिए। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक शब्द हुआ करता था अपने यहाँ राजनैतिक, मैं ये आग्रह कर रहा था कि एक शब्द हुआ करता था अपने यहाँ राजनैतिक, इसमें जो नैतिकता थी, नैतिकता जो प्रचलित थी आम भाषा में, वो नैतिकता जिनके कंधों पर दायित्व है संवैधानिक स्थितियों को निर्वाह करने का, जिनके पास अधिकार हैं,
और आम जनता के पास भी अधिकार तो हैं और कर्तव्य भी हैं, लेकिन इन बिटवीन द लाइंस ये मॉरलिटी चलती थी, उसे महसूस किया जाता था नैतिकता को। अब वो नैतिकता कहाँ गई, ये छोटा सा सवाल है। उस नैतिकता के लिए आप कुछ कहें जी? हाँ, वो राजनैतिक में तो अगर राज के साथ जो नीति जोड़ देते हैं तो वो तो अर्थ ही बड़ा आजकल विचित्र हो जाता है कि वो ये मान के चलते हैं कि राजनीति का मतलब नीति नहीं है, मतलब वो सिर्फ राज करने की नीति है, जबकि नीति शब्द नैतिकता से ही उपजावा है। तो लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि राजनीति का तो अर्थ ही वो सब है कि भ्रष्टाचार भी करना, प्रतिस्पर्धी को प्रताड़ित भी करना, उसको बदनाम भी करना, और ये प्रचलित अर्थ तो यही बन गया कि राजनीति बहुत है भाई, तो इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। तो रूढ़ वो शब्द का अर्थ तो बिल्कुल बदल ही गया है, मतलब राजनीति है तो इसका मतलब नैतिकता तो है ही नहीं, क्योंकि राज प्राप्ति तब किया जा सकेगा जब नीति पे नहीं चलोगे, तो यह तो स्थिति बन चुकी है। और बड़ा वो कहा जाता है कि साहब अमुक व्यक्ति बड़ा चाणक्य है, और वो चाणक्य होने का अर्थ भी क्या है, बेसिकली तो चाणक्य होने का अर्थ भी जो है वो भी नेगेटिव अर्थों में ही है, नकारात्मक ही, कि वो कैसे भी साम दाम दंड भेद से जो राज प्राप्त कर ले वो चाणक्य, और इसी को चाणक्य नीति हम कहते हैं, और इसको एक सफलता का वो भी माना जाता है, मतलब इसको एक पॉजिटिव सेंस में भी यूं ले जाते हैं कि भाई यही तो देखो करने आए थे हम राजनीति में, और हम तुमसे भी अच्छे चाणक्य साबित हो रहे हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हम नैतिकता का प्रश्न तो बड़ा ही वो है कि राजनीति से बड़ा दूर जा चुका है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।